टूटे दिल वाले जरूर पढ़े। विपुल नाम का एक लड़का था, बहुत ही खुश मिजाज किस्म का आदमी था। कुछ दिनों पहले ही उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वह इतना मस्त था कि अब सारी कक्षा उससे खुश रहती थी। कभी अगर वो कॉलेज नहीं आता था तो कभी कक्षा में सूनापन छा जाता था। दिन बीतते गए और समय निकलता गया, लेकिन विपुल की ज़िंदगी में खुशियों का अनुपात कम हो गया था। वो कक्षा में बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता, कोई उससे पूछता तो बताने को तैयार ही नहीं था। पूरी क्लास में सन्नाटा छाने लगा, लेकिन एक दिन उसके टीचर ने उससे पूछ ही लिया कि विपुल, तुम्हें बताना ही होगा कि तुम इतनी दुखी क्यों हो। जब अपने अंदर दबे बोझ को हल्का नहीं करोगे तब तक कैसे खुश रहोगे। हिम्मत करके उसने बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता था, अब वो उसे छोड़कर चली गई, इसलिए वो बहुत दुखी है। टीचर सारी बात समझ गए। उन्होंने कहा कि तुम शाम को मेरे घर आ सकते हो। उसने कहा हाँ जरूर। जब विपुल शाम को टीचर के घर गया तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय या शरबत। उसने कहा शरबत। जब उन्होंने शरबत बनाया तो उसने नमक काफ़ी ज़्यादा डाल दिया, और जब विपुल भाई ने वह शरबत पिया तो एक घूंट पीकर के मुँह बिगाड़ लिया और टीचर को कहा सर ये क्या बना दिया आपने, इसमें नमक बहुत ज़्यादा है। तो टीचर ने कहा विपुल कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दोबारा शरबत बना सकता हूँ। विपुल ने कहा लेकिन सर उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम इसी शरबत में थोड़ा पानी और चीनी डालकर इसे अच्छा बना सकते हैं। टीचर ने फिर पूछा कि क्या विपुल। विपुल ने फिर भी यही जवाब दिया। अब टीचर ने कहा कि मैं तुमको यही बात समझाना चाहता था, इसलिए मैंने जानबूझकर शरबत में नमक ज़्यादा डाला, और तुम्हारी ज़िंदगी में भी नमक ज़्यादा हो गया है तो तुम सिर्फ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीनी मिलाते जाओ, कुछ ही दिनों बाद नमक की मात्रा कम हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी पहले से भी खुशनुमा बन जाएगी। विपुल के गुरुजी चाहते तो यह सीधा सीधा भी समझा सकते थे, लेकिन आप सभी जानते हो सीधी बातें इतनी आसानी से कहाँ समझ आती हैं। जो ज्ञान प्रैक्टिकल से मिलता है वो हमेशा याद रहता है, और ऐसी ज़िंदगी का ज्ञान तो हम उम्र भर नहीं भूलते। अब विपुल के जीवन में चीनी की मात्रा बढ़ने से खुशियाँ बढ़ रही थी। उसने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और उनको धन्यवाद किया। अगर वह इन बातों को अंदर ही अंदर दबा के रखता और ग्रह की अग्नि में जलता रहता तो गुरु कैसे समझ पाते। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।